हेलो, मैं हूं निशांतपुरी, NPST सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये बहुत इजी है, सबको बहुत हार्ड लगता है, देखते हैं कैसे होता है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज स्टार्ट करने से पहले कुछ सीखना होगा। ओके, कुछ रिलेशन सीखना होगा, जैसे रिलेशन। चलो भैया, रिलेशन तो है ही आजकल, ठीक है। ओके, तो इसका रिलेशन देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ओके, और कोई रिलेशन में देखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू वन। ओके, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थीटा एंगल होता है। ओके, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू वन। ओके, तुम लोग बोलोगे सर ये तो दिक्कत वाली बात है, इसको याद करना। देखो, एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, SCST CC कोको कोला। ओके, मैं किसी के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, बस ये ट्रिक याद करने के लिए बोल रहा हूँ। SCST कोको कोला। ओके, SCST कोको कोला पी रहा है। ओके, SC साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, CST सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोको कोला को सेक माइनस कॉट। ओके, बस याद रखना होगा तुम लोग को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है। टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। ओके, तो हम लोग जान चुके हैं सब कुछ। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये सारे के सारे CBSE में पूछे गए हैं। ओके, देखते हैं कैसे बनता है। जैसा कि हम लोग रिलेशन याद है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को बनाने के लिए रिलेशन को याद करना पड़ेगा। ओके, तो रिलेशन को ना आप बगल में लिख लो, ठीक है। रिलेशन को सबसे पहले बगल में लिख लो, जब तक याद नहीं हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू वन, अगर हम वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखें तो साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इजकल टू वन, मतलब सेक स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर माइनस वन कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, सो रिलेशन का सबसे पहले यूज़ करना है। तो याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले किसका यूज़ करना है, रिलेशन का। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भैया, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। सर ने कहा था कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर वन। कैसे भैया, वन बाय कॉस 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 कट गया, कॉसेक स्क्वायर माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से देखेंगे कॉसेक स्क्वायर, वन को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो बच्चा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अरे भैया, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है, तो कितना हो गया, वन। ईजी है यहाँ तक। ओके, ये पूरा चैप्टर ईजी लगने वाला है, ये क्वेश्चन तो है। ओके, CBSE 2K18 का है, टेन स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर। मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, टेन स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, लोगों ने गलत लिखा, वन लिखा, गलत हो गया। अरे भैया, यहाँ से देखो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, SCST, तो ST नहीं है, TS है, तो यहाँ कितना होगा, माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब आगे देखते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि CBSE में पूछा गया है, और देखिए कितना इजी लगेगा, किस एक टेक्निक से बनाएंगे, चैप्टर खत्म। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, ये निकालना है यार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS। यार तुम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो बनाना स्टार्ट कर दो, देखो मत क्या लिखा हुआ RHS में, स्टार्ट करो, प्रोसेस स्टार्ट करो, बनेगा, सब होगा। फ्रॉम LHS। ओके, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा स्क्वायर, पहले लिख लो LHS। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी तो बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, ठीक है। बस रिलेशन का यूज करना है, और अभी क्या यूज करना है बताएंगे, ध्यान से क्वेश्चन बनने लग गया। पहला बात, स्टेप वन रिलेशन का याद करना, ठीक है। स्टेप टू, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन वन होता है। स्टेप थ्री बताएंगे, चैप्टर खत्म। कॉस प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो भैया ये तो वन हो गया,
तुम बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? वन होता है, ठीक है सर। बचा वन प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। एक सेकेंड, टू प्लस टू कितना? फोर। फोर प्लस वन कितना हो जाएगा? ये फाइव, यहाँ फाइव लिखो। करीब आ रहे हैं यार, यह सेवन है, चलो ठीक है। यह टेन और कॉट है, चलो ठीक है। कॉसेक को किस में चेंज करते हैं? तुरंत याद करेंगे, एस सी एस टी सी सी कोको कोला। कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखते चलो। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक तो है नहीं और कॉट इज टेन है, सेक एस टी सेक स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेवन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ईजी है। पी आर ओ वी डी बराबर आर एस, ठीक है, ईजी। ओके आगे देखते हैं। जो तीसरा कंसेप्ट बताने वाले थे वो ये बताने वाले थे, पहला स्टेप रिलेशन का यूज करना, दूसरा स्टेप साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन होता है, कॉस इंटू सेक वन होता है, टेन इंटू कॉट वन होता है। तीसरा स्टेप ये है कि ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कैन बी कन्वर्टेड इंटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब कुछ समझ में नहीं आए सबको चेंज कर दो साइन और कॉस में, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फ्रॉम एलएचएस बनेगा नहीं, दौड़ेगा फ्रॉम एलएचएस। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? वन बाय साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम निकालने जानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर गया तो इधर क्या आएगा? साइन स्क्वायर, और इधर गया तो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर। अरे सर पढ़ाए थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? वन होता है। चलो यहाँ वन दो, यहाँ दो क्या, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। ये सब सीबीएसई क्वेश्चन पूछा गया है। वन बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। और वन बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया पी आर ओ वी डी, हो गया, इजी है। इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, पूरा लिखना, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। सर ये भी थोड़ा टफ लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कैसे बनाना। सर ने एक बात बताया था कि सबको एल एच एस को जो भी दिया हुआ है ना, सबको जो है कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो? सबको साइन और कॉस में, ठीक है। जिसमें होगा तो करते जाएंगे, फ्रॉम एल एच एस लिखेंगे। कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं? वन बाय साइन थीटा। कॉट थीटा क्या लिखते हैं? कॉस बाय साइन थीटा। ये स्क्वायर है। लोग तो आइडेंटिटीज का क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो भैया एल एच एस निकालो, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सर वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना, हम लोग पहले से जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके चलो, ये वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। ये एक ही जैसा है तो दोनों को ऐसा लिख दिए, ये कटा, देखो प्रूव्ड हुआ, ठीक है, ये प्रूव्ड हुआ। इक्वल टू आर एच एस, ऐसे लिखना है, आर एच एस प्रूव्ड। ओके देखिए, अगर तब भी आपको दिमाग में नहीं आता है कि क्या कब यूज़ करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आईएनटीज में क्या है कि जितना बार क्वेश्चन को बनाओगे वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन के तरीका को सीख गए तो आप सब क्वेश्चन को बनाने लगोगे। पहले इतना क्वेश्चन को बना लो, गारंटी है तुम्हारा सब क्वेश्चन बनेगा। और आगे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए टू से के। सर ये कैसे प्रूफ करना है? सर ने कहा था कि कुछ नहीं देखना है, अपना काम करते रहो, एल एच एस लो, एल एच एस तो यही लोगे, उतारेंगे क्यों? इस दोनों का एल सी एम लो भैया, सबसे पहले तुम अपना काम करते जाओ, बनाते जाओ, अपने बनेगा। ओके, स्टेप याद करते रहो, जो जो स्टेप मैंने बताया। ओके तो सिंपली है, वन प्लस साइन ए हट गया, कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो गया? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ये वन प्लस साइन ए इधर आएगा तो ये क्या होगा? वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर वन स्क्वायर क्यों लिखे? अरे वन स्क्वायर वन होता है यार। ओके टू साइन ए बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए। ठीक है देखते चलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या पढ़ा है सर? वन, वन प्लस वन कितना होता है? टू होता है। ठीक है फिर से देखो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू। ओके कितना मैं बता रहा हूँ अगर उसको देख लोगे तो आराम से खत्म होगा, एक एक नहीं दो बार वीडियो देखो। ओके वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए। यार सर ये दोनों कट जाएगा? ठीक है सर कट गया। वन बाई कॉस ए क्या होता है? बराबर आर जस्ट प्रूट हुआ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है? साइन थीटा, लिख देंगे यार साइन थीटा यहाँ पर, साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके अब नीचे कॉमन क्या आ रहा है यार? कॉस थीटा, लिख देंगे कॉस थीटा, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। सर अगर साइन बाय कॉस हुआ था टेन आता पूरा हो जाता, काट देते इसको, ऐसे नहीं हो रहा यार। ओके काट देते हैं किसी को कुछ भी तो। हाँ लेकिन ऐसा है कि सर ऐसा कर सकते हैं ना कि वन को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, वन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, कर लेते हैं साइन थीटा। चलो वन है तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देखते चलो अब उसके बाद यहाँ पे वही लिख दिए टू कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये वन को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है अब देखो साइन थीटा इसमें देखो, सबसे पहले कॉस स्क्वायर लिख दो, एक साइन स्क्वायर में टू साइन स्क्वायर घटा तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो टू कॉस स्क्वायर में एक कॉस स्क्वायर, चूंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा और यह माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो भैया हक से काटो, साइन बाय कॉस कितना होता है? टेन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत, और दो क्वेश्चन देखेंगे और ये चैप्टर खत्म। ओके और देखते हैं ये क्वेश्चन आगे, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए टू से के। सर ये रूट में है। ओके कैसे करें कैसे करें कैसे करें? अच्छा ऐसा करो रैशनलाइज, तो कभी सुने हुए ना रैशनलाइज? चलो रैशनलाइज करते हैं फ्रॉम एल एच एस, वही हमेशा तो वही कर रहे हैं, फ्रॉम एल एच एस लो तो अच्छा लगेगा। ओके तो रैशनलाइज करने जानते हैं हम लोग, वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए है ना। तो हम लोग बताते हैं जो नीचे होता है ना माइनस होता है, तो रैशनलाइज करो प्लस से, हमेशा याद रखना वन प्लस साइन ए बाय वन प्लस साइन ए। ओके चलो करते हो ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पर, इसका भी तो सर अलग से रैशनलाइज करेंगे। सर इस बार ना नीचे वन प्लस साइन ए है तो किससे रैशनलाइज करेंगे बता? या वन माइनस साइन ए से, वन माइनस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए से। ओके चलो देखते हैं, इसको लिखते हैं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सोचो तो ए स्क्वायर मैंने मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। सुनो ध्यान से, वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए। ओके क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर है, और रिलेशन का यूज करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। वेरी गुड, तो हम लोग ऐसा करेंगे ना कॉस ए लिख के इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है होल स्क्वायर है ना, ठीक है ये कॉस स्क्वायर है इसका, थोड़ा यहाँ शॉर्ट किए हैं, देखना ध्यान से, नहीं समझ में आया तो देखो एक दो बार। वन प्लस वन माइनस साइन ए वन माइनस साइन ए, तो वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ देखते हैं ध्यान से देखना। ठीक है होल स्क्वायर अभी लिखेंगे हम, देखना ध्यान से कैसे लिखिए देते हैं यार, देखना कैसे होगा। वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, सर ये होता है वन माइनस साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर यानी कॉस है देखा। और एक बात याद रखना, स्क्वायर और रूट दुश्मन होता है। लो हटो खत्म, इनिमीज़।
ठीक है भैया, लो एलसीएम, ये क्या होगा कॉस ए, ऊपर क्या होगा वन प्लस साइन ए, और फिर क्या होगा वन माइनस साइन ए, ये खत्म। वन प्लस वन टू, टू बाय कॉस ए, टू से के देख रहा है, फूक दो उड़ जाएगा। यहाँ देखते हैं एलएचएस, और ये क्या है आरएचएस, इसको कैसे बनाएंगे यार? सर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन मान लो पहली बार देख रहे हैं, कैसे बनाएंगे? सर ने ये कहा था कि सबको ना कन्वर्ट करो साइन एंड कॉस में, सेक थीटा है तो वन बाय कॉस, देखते हैं होता कैसे ना। टेन क्या है साइन बाय कॉस, इसको भी थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहे हैं हल्का सा, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे, ओके क्लियर हो जाएगा। सेक थीटा क्या लिखते हैं वन बाय कॉस थीटा, बहुत बेसिक से बताया मैंने उसमें, साइन बाय कॉस। चलो भैया एलसीएम लो, कॉस ऊपर क्या बचा वन प्लस साइन थीटा, फिर देखो ये क्या है वन माइनस साइन थीटा, ये भी मैंने डिवाइड पहले वीडियो में बताया है, कॉस कॉस खत्म, ठीक है ओके। वन प्लस साइन थीटा लोग यहाँ छोड़ देते हैं कि यार अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने बताया रैशनलाइज, ओके रैशनलाइज बताया, चलो रैशनलाइज कर दो। माइनस है, माइनस का दुश्मन कौन, प्लस। वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, इसको क्या लिखते हैं वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक सेकेंड रुकना, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो हम इससे अच्छा इसका होल स्क्वायर काहे नहीं लिखें, ठीक है यही तो प्रूफ करना था, अच्छे से लिखोगे तो वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ समझने की दिक्कत है, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इजकल टू आर एच एस प्रूफ, वो भी लिख देना। तो कैसा लगा आपको, अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और इस तरह से पूरा ट्रिग्नोमेट्री मैंने ख़त्म कर दिया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ओके थैंक यू एंड बाय एवरीवन।